हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। शाम के 5 बजने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं नागपुर वापस। अब हम नागपुर में कुछ दिन रहेंगे, तो कल रात को हम लोग पहुंचे थे नागपुर। आके थोड़ा रेस्ट किया, आज दिन में साफ़ सफाई की घर की, और अभी बस तो ऐसा हुआ है कि हमने केस फाइलिंग के लिए लॉयर से बात करके सब कुछ फाइनल कर दिया है। अब केस फाइलिंग होगा, हमारा जो इंश्योरेंस का केस फाइलिंग था वो उसके ऊपर प्रोसीजर होगा। केस फाइलिंग होने के बाद लॉयर मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि केस फाइल हो गया है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, कब कब डेट्स हैं, उसके रिगार्डिंग वो मेरे को टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। प्लस अभी कुछ काम है तो हम होम टाउन जाएंगे, हिमाचल जाएंगे। अभी आए हैं नागपुर अपने घर, यहाँ पर कुछ दिन रहेंगे। यहाँ पर आके मौसम थोड़ा ठंडा है एज़ कम्पेयर टू चेन्नई। चेन्नई में उतनी ठंडी नहीं लगती, यहाँ पर है ठंडी, शाम में और मॉर्निंग में अच्छी ठंडी होती, बाकी दिन में तो अभी नॉर्मल ही है। पर उतनी कोई हमको खास ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ की, जैसे जैकेट वगैरह डाली हो तो ठीक है, उतनी ठंडी है। अभी धीरे धीरे ठंडी बढ़ेगी। और इस बीच काफ़ी कुछ किया, शिफ्टिंग वगैरह की, काफ़ी कुछ पैकिंग वगैरह किया, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया। व्लॉग बनाना चाहता था बट हैक्टिक इतना था कि चीज़ें सब करने में, पैकिंग वगैरह करने में, शिफ्टिंग करने में, प्लस डॉग्स शिफ्ट करके इधर लेके आने थे नागपुर, तो उसका एक अलग प्रोसीजर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो सब करते करते इतना मेंटली टेंशन हो गया ना कि रोज़ स्टेशन जाना, स्टेशन से वापस आना, और नियर अबाउट 13 to 14 किलोमीटर्स है, बट ड्यू टू ट्रैफिक 1 घंटा लग ही जाता है। और स्कूटी में जाना मतलब पापड़ होना है बाकी तो आप समझ गए। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह नहीं की, क्योंकि बहुत सारे काम थे, वो सब करते 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 टाइम हो गया। और फिर फटाफट टिकट वगैरह की, फिर डॉग्स के लिए प्रोसीजर किया, ये सब चीज़ों में पूरा टाइम लग गया, इसलिए व्लॉगिंग नहीं की। आज थोड़ा फ्री हूँ तो मैं आज आया, आज व्लॉगिंग कर रहा हूँ। आज अपनी गाड़ी में साफ़ सफाई करके, थोड़ी गाड़ी क्लीन करके आराम से बैठा हूँ, गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा व्लॉग कर लेता हूँ सोचा, इसलिए थोड़ी व्लॉगिंग कर रहा हूँ। वरना तो अपनी बेच दी थी, होंडा सिटी भी अपनी चली गई थी, अभी बस ये पापा की फोर्ड इको स्पोर्ट है, इसको थोड़ा अच्छे से मेंटेन करके रखना है, यही अपनी चाहत है। और धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, बढ़ते बढ़ते फिर देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ट्राई करेंगे अपनी कोशिश पूरी हर चीज़ें अच्छी करने की, हर चीज़ें ठीक करने की, बाकी टाइम के ऊपर डिपेंड है, टाइम कैसा चलता है, अपनी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। तो शिफ्टिंग करने के बाद जब टिकट बना ली, टिकट बनाने के बाद ऐसा होता है कि आप जब डॉग्स को शिफ्ट करना चाहते हो तो डॉग्स को शिफ्ट करने के लिए आप उनको अपने साथ कैरी नहीं कर सकते थर्ड एसी में, सेकंड एसी में, ओनली फर्स्ट क्लास एसी में आप उनको अपने साथ ट्रैवल करवा सकते हो। उसके लिए भी एक दो प्रोसीजर्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। उसमें ऐसा रहता है कि आपको डॉग के लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है 24 आवर्स बिफोर कि आपका डॉग हेल्दी है, सर्टिफाइड डॉक्टर से उनका स्टैंप रहना चाहिए, एक ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म होता है उसको प्रॉपरली फिल करना चाहिए, जो मैं अटैच करूँगा इसके वीडियो के साथ। वो फिल करने के बाद आपको वो जाके एक EQ सेल होता है ट्रेन में मतलब रेलवेज में, तो वहाँ पर EQ सेल का फुल फॉर्म है इमरजेंसी कोटा सेल, वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ता है। मोस्टली ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं एंड जो भी पुलिस प्रोफेशनल्स, आर्मी प्रोफेशनल्स हैं, इन सब को वो अलाउट होता है, ताकि उनको कोई इमरजेंसी है दे कैन यूज़ इट 24 आवर्स बिफोर, और 4 आवर्स बिफोर जो भी ट्रेन बनने वाली है उसका भी एक प्रोसीजर है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, जैसे शाम के 4 बजे से लेके नेक्स्ट डे तक का, अगर आप आपकी ट्रेन है शाम के 4 के बाद से नेक्स्ट डे तक, तो आपको टुडे में आपको आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर करना पड़ती है EQ सेल में। और अगर आपकी नेक्स्ट डे की ट्रेन है, जैसे मॉर्निंग 6 है, तो आपको 1 डे प्रियोर एक दिन पहले आपको उसमें सबमिट करना पड़ता है आपका जो भी रिक्वेस्ट है,
कि आपको क्यों इमरजेंसी कोटा में सेल में आपको डालने की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने फॉर नॉर्मल प्रोसीजर्स जो लगेज ट्रैवल एक्स्ट्रा कर रहे हैं, या जैसे किसी की डेथ हो गई या कोई बॉडी लेके ट्रैवल करना चाहता है या कोई हैंडीकैप है एंड उनको अपने अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पैसेंजर्स, ये नॉर्मल पैसेंजर्स भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं EQ-Cell का। EQ-Cell में ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई अपनी फैमिली में डेथ हो गई है तो अपनी फैमिली के मेंबर की बॉडी ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, तो हर चीज़ आपकी सुविधा से नहीं हो सकती है। तो उसके लिए आपको इमरजेंसी कोटा में आपको एप्लीकेशन डालना पड़ती है कि मेरे ये रीजन है, मेरे को इसकी वजह से मेरे को एक पर्सनल कैबिन चाहिए फर्स्ट एसी में या क्यूपे चाहिए, ताकि मैं उस रीजन्स के वजह से मैं उसमें ट्रैवल कर सकूं। अब जैसे हमको डॉग को लेकर ट्रैवल करना था तो हमको कूपे चाहिए था, क्योंकि हम दो लोग मैं और मम्मी ट्रैवल कर रहे थे, तो कैबिन में चार पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं और कूपे में दो लोग पर्सनली ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो अलग अलग कैबिन होता है, मैं वीडियो में शेयर करूंगा कि कूपे कैसे दिखता है। इसमें ऐसा होता है कि आप अपने साथ डॉग्स को लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने जब एप्लीकेशन दी तो मैंने उसमें मेंशन किया रीज़न में कि आई वांट टू ट्रैवल विथ माय पेट डॉग्स। सो वो एक दिन पहले मैंने सबमिट की, क्योंकि मेरी नेक्स्ट डे की दुरंतो एक्सप्रेस थी मॉर्निंग 6 o'clock। तो मैंने एक दिन पहले वो एप्लीकेशन सबमिट की, मेरे को कुछ डाउट्स थे तो मैंने उनसे क्लैरिफाई किया। क्लैरिफाई करने के बाद मैंने वो एप्लीकेशन सबमिट की, अपने PNR नंबर अटैच करके, एक फॉर्म रहता है वो फॉर्म अटैच करके उसके साथ दोनों डॉग्स के सर्टिफिकेट लगाए। सर्टिफिकेट लगाने के बाद वो सबमिट किया। फिर जब जो फर्स्ट एसी का कोटा होता है उसमें आपको टिकट का कंफर्मेशन मैसेज 4 घंटे पहले आता है कि आपको कूपे मिला है या कैबिन मिला है। वैसे तो टिकट कंफर्म हो जाती है अगर आपने टिकट की है तो, बट आपको कूपे मिला है या कैबिन मिला है आपकी रिक्वेस्ट पे वो 4 घंटे पहले ही आता है। इन केस कोई VIP ट्रैवल नहीं कर रहा है, जैसे कोई MLA या कोई हाई क्लासिफाइड पर्सन ट्रैवल नहीं कर रहा है, वो आपको अलॉट हो जाता है। और अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपको अलॉट नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसा नहीं होता है, दे कंसिडर योर रीजन्स, बट इन केस इफ समवन हाई ऑफिशियल ट्रैवल कर रहे हैं देन उनको उनको पहले अलॉट करना पड़ता है। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसके पहले ऐसा होता था कि अगर आपको डॉग को लेकर अगर ट्रैवल करना है तो लगेज बॉक्स में बैक साइड में जो आखिरी डिब्बा रहता था उसमें आपको डॉग्स के लिए एक अलग से कैबिन दिया जाता था, बट कैबिन मीन्स एक केज दिया जाता था जिसमें आप डॉग को उस केज के अंदर बंद रख सकते हो, खाना पीना दे सकते हैं। और आपको ऐसा है कि जब नियर अबाउट 6 to 7 hours, अगर आपका ट्रैवल 12 hours के अबव है तो 6 to 7 hours में आपको एक बार उतर के डॉग को देखने जाना कंपलसरी है, ताकि समटाइम्स डॉग्स पैनिक कर जाते हैं, तो इसलिए आपको जाके देखना कि दे उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया या पानी पिया, तो वो सब देख के फिर आप दोबारा चढ़ सकते हैं। बट अब रिसेंटली ऐसा किया गया है कि वो सब कुछ बंद कर दिया, आपको फर्स्ट एसी ही में ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उसके हिसाब से टिकट बनाई। रिसेंटली मेरा फ्रेंड निखिल, उसके डॉग को भी वो लोग बैंगलोर लेके जा रहे थे, तो इंस्टाग्राम पे जब मैंने पोस्ट देखा तो मैंने एक और बार उससे क्लैरिफाई किया कि हाउ टू डू इट, क्या क्या प्रोसीजर है। आपको चांसेस हैं कि किसी किसी ट्रेन में बैक साइड में कैरिएज मिल जाए, आपको स्टेशन पे जाके पूछना पड़ेगा। मेरे को बेसिकली एक वेलू अन्ना ने बहुत हेल्प की, वो वहाँ पर लगेज पे ही काम करते हैं, तो उनका कट देके मैंने उनसे थोड़ी हेल्प ली एंड जो जो प्रोसीजर्स थे उन्होंने हेल्प आउट किया। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करो, फटाफट करो, और सर्टिफिकेट बनाने में जो भी है सब कुछ रेडी करके हमको प्रॉपरली मॉर्निंग में हमको ट्रॉली लेके आया, हमारा लगेज उठाया, सब कुछ अच्छे से हेल्प आउट करके हमको चढ़ा दिया। बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो भी हेल्प की, और हम आराम से आ भी गए, नागपुर पहुंच गए, नागपुर आके हम लोग घर आ गए। ये प्रोसीजर्स थे। और ट्रैवल करना उतना आसान नहीं है जितने आसान से मैंने बता दिया, बट जब आप करते हो और आपके साथ लगेज भी ज़्यादा है, आपके आपके साथ डॉग्स भी हैं, और डॉग्स चंचल होते हैं, इधर उधर भागते हैं और सूंघने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको टाइटली लीश पकड़ के रखना पड़ेगी और उनका फूड कैरी करना पड़ेगा ताकि वो टाइम टू टाइम खा लें। ये सब चीज़ें करते करते हम कैसे जैसे तैसे पहुँच तो गए, नागपुर पहुँच गए। नागपुर पहुँच के अभी यहाँ की थोड़ी ठंडी है,
ठंडी का भी मज़ा लेते हैं और जो बाकी काम है वो ख़त्म करके हिमाचल जाने का प्लान है। लेट्स सी हिमाचल कैसे जाते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली हम बाय रोड ट्रैवल करने वाले हैं, बट चांसेस हैं कि चेंज हो सकता है प्लान। अब वो टाइम पे डिपेंड करता है। अगर हम बाय रोड जाते हैं तो मैं आपको सारी क्लिप्स बताऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, क्या कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, कैसे ट्रैवल आगे होगी, शेयर करता रहूँगा, कंटिन्यू करता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो या कुछ इन्फॉर्मेटिव अगर मुझसे मिस हुई हो और आप पूछना चाहते हैं तो पूछें और मुझे बताएं। अगर कुछ मैं मिस कर गया हूँ तो मुझे आप भी इन्फॉर्म करें ताकि मेरी भी नॉलेज और बढ़े। तब तक के लिए कंटिन्यू वॉचिंग मी एंड कीप सब्सक्राइबिंग मी, थैंक यू। आज वैसे ब्लॉग बनाने का मन तो नहीं था, बट सोचा है कि कुछ करना है तो उसके लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा। चीज़ें अप्स एंड डाउन चलती रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप अपना बेस्ट देते रहें, झाड़ लगाते रहें, जितने ज़्यादा झाड़ होंगे उतना अच्छा एनवायरनमेंट होगा सबके लिए भी, आपके लिए भी, और अपनी सराउंडिंग क्लीन रखें। झाड़ का मैसेज मैं इसलिए देता हूँ कि पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि झाड़ नहीं रहेंगे तो ज़्यादा दिन कुछ चलने वाला है नहीं। मेरे को तो और जीना है, मैं अच्छे से जीना चाहता हूँ, मज़े लेना चाहता हूँ, तो जितने ज़्यादा झाड़ होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। जितनी ज़्यादा हरियाली हो उसका एक अलग मज़ा है। जिनको समझ में आ रहा होगा वो लोग फील कर सकते हैं, और जो जिनको लग रहा होगा कि नहीं ठीक है भैया, तो आपको जैसा भी लगे पर ज़रूर लगाएं। पुराने झाड़ ना तोड़ें जब तक वो गिरने की हालत में ना। कई लोग कंस्ट्रक्शन के चलते बहुत पुराने पुराने 100 100 साल पुराने झाड़ काट रहे हैं। मैंने रिसेंटली चेन्नई में भी देखा, बहुत सारी जगह देखा, जो कि बुरा लगता है, बट हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बस मैं अपनी तरफ से ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि ना काटें तो बेहतर है, क्योंकि उनमें जो शक्ति है वो किसी और चीज़ में नहीं है और किसी चीज़ में हो भी नहीं सकती। तो पहली चीज़ है झाड़, उनको बचाएं, बढ़ाएं। ये हम मेरी साइड से ये मेरा मैसेज है। अच्छा लगे तो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।